और इस वक्त की ये बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी, इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। गोल्ड से चूके रेसलर रवि कुमार दहिया, तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रवि कुमार दहिया को लेकर जो बड़ी उम्मीदें, सिल्वर मेडल मिला है रेसलर रवि कुमार दहिया को टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी। सिल्वर मेडल में खेल में ये हार जीत तो प्रकार का उसका एक हिस्सा होता है खेल का, लेकिन फिर भी अच्छे खेल खेलने के नाते से उसको जो सिल्वर मेडल मिला है उसको भी मैं बधाई देता हूं। वर्षों बाद इस प्रकार के खिलाड़ी जो आगे बढ़ते हैं इनका एक अच्छा रोल रहता है, और अब ये चूंकि सिल्वर मेडल जीत करके आ रहा है तो हरियाणा सरकार जो हमारी अपनी पॉलिसी है क्लास वन की नौकरी ये उनकी सुनिश्चित की गई है, तो क्लास वन की नौकरी उनको दी जाएगी और एक प्लॉट जहां भी हरियाणा में वो चाहें तो 50% की कंसेशन पर वो प्लॉट भी दिया जाएगा। और मैं घोषणा करता हूं कि इनका जो गांव है नाहरी गांव में जो आधुनिक विश्वविद्यालय सुविधाओं से लैस जो है रेसलिंग का एक इंडोर स्टेडियम ये भी बनवाया जाएगा, और ताकि ये और खिलाड़ियों को उस प्रकार से इंडोर स्टेडियम में रेसलिंग के गेम के माध्यम से उनको प्रोत्साहन दे सके। इसलिए आज के अभी हालांकि दो और हमारे मैच बाकी हैं वो चल रहे हैं जो आज खेल होने हैं, मैं उनमें आशा करता हूं कि वो अच्छी अपना प्रदर्शन करके और अच्छे मेडल लेकर के आएंगे। हाँ, और जैसे सिल्वर मेडल का जो हमारा प्राइज है 4 करोड़ रुपए का प्राइज है, तो 4 करोड़ रुपए की राशि भी ये उनको दी जाएगी। ब्रॉन्ज हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड का इंतजार अब इंतजार है, तो अब और खिलाड़ी लगे हैं उसमें कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूँ कि हमारे बहुत खिलाड़ी अभी लाइन में हैं और गोल्ड भी कहीं ना कहीं लेकर के आएंगे। धन्यवाद। जो परफॉर्मेंस रही, देखिए अच्छा होता गोल्ड का हम चर्चा कर पाते इस समय, लेकिन भले नहीं कर पाए, 3 पॉइंट से थोड़ा वो पीछे रह गए, क्योंकि ये खेल जो होता है ये उस समय के खेलने वाले के मौके के ऊपर व्यक्ति जो खिलाड़ी है वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है, अंतर बहुत मामूली होता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है, तो मामूली अंतर से वो पीछे रहे हैं, फिर भी अच्छा खेले हैं। अच्छा होता गोल्ड लेके आते, लेकिन सिल्वर भी लेके आए हैं तो भी हमारे देश के मेडल्स की टैली 1 सिल्वर उन्होंने बढ़ाया। सीएम मनोहर लाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि सिल्वर लेकर आ रहे हैं, खुशी की बात है, गोल्ड से चूक गए हैं रवि कुमार दहिया लेकिन सिल्वर लेकर आ रहे हैं, इसको लेकर देशवासियों में खुशी का माहौल भी दिखाई दे रहा है। और साथ ही आपने हरियाणा सीएम मनोहर लाल को भी सुना, उनका साफ कहना कि सिल्वर लेकर आ रहे हैं, एक और मेडल भारत के नाम पर जुड़ गया है और ये बड़ी ही खुशी की बात है। तो तमाम जो प्राइज है उनका भी उन्होंने ऐलान किया कि अब रवि कुमार दहिया को हरियाणा सरकार की तरफ से क्या कुछ देने वाले हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी हुई, रेसलर रवि कुमार दहिया को सिल्वर मेडल मिला है। गोल्ड से चूके हैं रेसलर रवि दहिया के लिए, गांव के लिए, हरियाणा के लिए, देश के लिए एक सबक सिखा चुकी है कि हमें अंतिम क्षण तक मेहनत करनी है और 2024 में मेडल के लिए हम प्रयास आज ही से लग जाएंगे और उस मेडल को हम लाएंगे। गांव में जितना कोई भी सुविधा ना, ना कोई नेशनल लेवल का स्टेडियम है, ना कोई कोच है, ना कुश्ती अकेडमी है, ना गद्दे हैं, और उसके ना होते हुए भी आज गांव में रजत पदक आया है, एक पहलवान लेके आया है, ये बड़े गौरव की बात है। और सरकार से और आपके टीवी चैनल माध्यम से मैं तो यही मांग करूंगा कि हमारे गांव में सुविधा दी जाए और 2024 में एक रवि नहीं 4 रवि हमारे गांव से जाएंगे और महिला पहलवान भी हमारे गांव से जाएंगे और 2024 में गोल्ड 1 नहीं 2 लेके आएंगे, 1 का 2 से संतुष्टि मिलेगी हमारे। तो रवि कुमार दहिया के गांव में खुशी का माहौल और हरियाणा सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया कि उनके गांव को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा और तमाम जो पुरस्कार हैं वो भी उनको मिलेंगे। लेकिन गोल्ड से चूक चुके हैं, सिल्वर मेडल हासिल किया है रेसलर रवि कुमार दहिया ने, बड़ी खुशी है। टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss any update.